अरे मैडम, मतलब इस आदमी से मूंगफली, ये तौल में हेराफेरी करता है। अंकल जी, मूंगफली कैसे दिए? साहब 80 रुपए का आधा किलो, कितना लगाऊं? क्या 80 रुपए का आधा किलो? अंकल जी सही सही रेट लगा लो। साहब इससे भी कम क्या रेट लगाऊं, जो मार्केट में चल रहा है वही बताया मैंने आपको। हाँ ठीक है 100 ग्राम तोल दो। साहब बस 100 ग्राम? तो क्या तुम्हारी पूरी दुकान खरीद लूँ? 100 ग्राम कर दो जल्दी से। ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। अरे वाह यार राहुल, मूंगफली ले रहा है, कैसे दिया मूंगफली? साहब आपके 100 ग्राम मूंगफली। अरे अंकल जी ये 100 ग्राम मूंगफली थोड़ी ना है, ये तो 100 ग्राम से कम है। साहब अभी तो आप दोनों के सामने ही तोला है मैंने पूरे 100 ग्राम। अरे हाँ आपने 100 ग्राम तोला तो था, पर उसमें से भी आपने 6-7 मूंगफली निकाल लिया, उसका क्या? साहब मैं मानता हूँ कि इसमें से मैंने मूंगफली कम की है, लेकिन साहब मैंने इसमें से उतना ही मूंगफली कम किए जितना आपने यहाँ से उठा के खाए हैं। अरे अंकल जी इतना तो चलता है, और 3-4 दाने तो खाए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बेटा, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मैंने भी तो इसमें से 3-4 दाने ही निकाले हैं, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है अब आप हमें सिखाओगे? एक तो हमसे पैसे भी ले रहे हो, ऊपर से मूंगफली भी कम दे रहे हो, और ऊपर से हमसे भेजबाजी भी कर रहे हो। आप तो ग्राहक को लूट रहे हो, धोखेबाज हो आप। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपसे धोखा क्यों करूं? साहब मैं तो यहाँ मूंगफली बेचने के लिए बैठा हूँ। अरे अंकल आप तो बहुत बेकार हो, चलो हमें इनसे कोई मूंगफली नहीं लेनी। अंकल मूंगफली कैसे दिए? अरे मैडम मतलब इस आदमी से मूंगफली, ये तौल में हेराफेरी करता है। हेराफेरी? अरे अंकल क्या बोल रहे हैं ये? अरे मैडम ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। मैंने इनसे 100 ग्राम मूंगफली खरीदा था, और इन्होंने 100 ग्राम मूंगफली तोलने के बाद उसमें से 4-5 मूंगफली निकाल के रख लिए, ये बोल के कि मैंने 4-5 मूंगफली खाई है। अरे आप ही बताइए मैडम, इतना तो चलता है। नहीं चलता है साहब। मैडम आप ही बताइए, ये साहब आए इन्होंने 5 दाने खा लिए, ये साहब आए इन्होंने 5 दाने खा लिए। मैडम मेरे पास 500 ग्राहक आते हैं, अगर 500 ग्राहक में से अगर 10 ग्राहकों ने 5-5 मूंगफली खाई, कुल मिलाकर 50 मूंगफली होती है, लगभग 100 ग्राम, यानी कि मैडम मेरा रोज का 20 रुपये का नुकसान। और यही 20 रुपये अगर मैं महीने भर का जोड़ूं तो 600 रुपये बनता है, और मैडम ये 600 रुपये मुझ जैसे गरीब के लिए बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भाई साहब अंकल जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने देखा होगा ना जो सड़कों पे मूंगफली चने की जो ठेली वगैरह लगा के खड़े होते हैं, राह चलते लोग उसमें से एक आध दाना उठा के खा लेते हैं, और अगर देखा जाए तो सैकड़ों लोग दिन भर में वहां से गुजरते होंगे, तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि उनका कितना नुकसान होता होगा? उस नुकसान की भरपाई कौन करता है? कोई नहीं, बेचारा वो ठेले वाला गरीब इंसान पिसता है। अरे ये भी जहाँ से सामान खरीद के लाते होंगे इन्हें फ्री में तो नहीं मिलता होगा ना, पैसे देते होंगे तभी तो इन्हें सामान मिलता है, और अगर आप लोग इस तरह से इनका नुकसान करोगे तो इनकी भरपाई कौन करेगा? हम लोगों को ना इस बात को समझना चाहिए कि इन गरीब ठेले वालों को ना नुकसान नहीं करना चाहिए, ये लोग भी कमाते हैं हमारी तरह अपना घर चलाने के लिए। अंकल मुझे आधी किलो मूंगफली दे दो। ठीक है मैडम। वो एक दाना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, पर उस एक दाने की कीमत उस गरीब से पूछिए जिनका नुकसान होता है। आज ही आदत छोड़े। जय हिंद जय भारत।